हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अक्षय। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SpO2 के बारे में। SpO2 क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना यह बहुत ज़रूरी है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे है या आपको जो ऑक्सीजन में है वो दिक्कत आ रही है, इसका मतलब यही नहीं होता कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। इसका नौबत कब आती है? अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे आता है या अचानक से एकदम से डाउन हो जाता है, 91 से भी नीचे आ जाता है, तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि SpO2 होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है, आपके लंग्स द्वारा आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो उसमें ब्लड भेजा जा रहा है, उसमें ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है, यह उसको दर्शाता है। अगर आपका SpO2 94 से नीचे है तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ये लंग्स में आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई होती है उसमें समस्या आ सकती है। या इसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है, अगर आपका जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कितना होता है, 95 to 100, इसमें अगर आपका 95 से नीचे होता है तो आपको हाइपोक्सेमिया की समस्या हो सकती है, या अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता होना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है या आपको हाइपोक्सेमिया की समस्या है? इसमें क्या होता है, आपको चेस्ट में पेन होता है और आपको सांस लेने में ज़रा कठिनाई होने लगती है, आपकी जो चेस्ट होती है उसमें आपको जकड़न महसूस होती है, आपका सांस फूलने लगता है, ये इसके लक्षण होते हैं। अगर आपको ये सब लक्षण दिखते हैं तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी पेशेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका SpO2 लेवल होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको आपके जो और ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसमें समस्या आ जाती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 91 है तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती है, आपको ऑक्सीजन थेरेपी लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको प्रोन ब्रीडिंग पोजिशन में लेटना होता है 30 से 40 मिनट। अगर ऐसा करने पर आपका जो ऑक्सीजन लेवल 91 से ऊपर चला जाता है तब यह आपको थेरेपी कुछ दिन करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता, आपका थेरेपी के बाद भी आपका ऑक्सीजन लेवल एक जगह रुका हुआ है, इसमें क्या होता है, फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घटना ये एक खतरे की बात होती है। अगर आपको चेस्ट में ज़्यादा पेन हो रहा है या आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या आपको चेस्ट में जकड़न महसूस हो रही है तब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ साथ आपके ब्रेन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए होती है वो उसमें कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड हमारे ऑक्सीजन को लेकर हमारे ब्रेन तक जाता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हमारे जो ब्रेन होता है उसके पार्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको होश भी खो सकते हैं, आप कोमा में भी जा सकते हैं, आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, ये सब समस्याएँ आपको आ सकती हैं।